दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए निपथ मेरा कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन निकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिलता करता, पद को भरता उर्मे भी हलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज इन मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। और आज हिंदी विषय के अंतर्गत समास प्रकरण पर आज पुनः हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है अव्ययीभाव समास को पढ़ रखा था, आज हम लोग दूसरा समास तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको अव्ययीभाव समास के बारे में बताया था कि जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें प्रथम पद अव्यय होता है, या जिसको प्रथम पद प्रधान भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रति है, बिना है, आ है, उप है, इन उपसर्गों जैसे शब्दांशों के माध्यम से यहां पर अव्ययीभाव को समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया था। आज तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो तत्पुरुष समास के दरअसल दो भेद होते हैं। पहला भेद बोला जाता है इसका व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा इसका जो भेद है वो आता है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ये दो भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, समानाधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, पुनः इसके छह भेद होते हैं। उन छह भेदों की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहला आता है कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा आपका आता है करण तत्पुरुष समास। तीसरा आपका जो रहेगा और रहेगा संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके बाद आपका आता है अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास, और इसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। दरअसल जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है, इस व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कारक प्रधान होता है, कारक प्रधान होता है। क्योंकि कारक प्रधान यह समास होता है, इसलिए कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, इन छह कारकों में इसको विभाजित किया गया है। हिंदी विषय में आठ कारक होते हैं, जिसमें से पहला कर्ता कारक और अंतिम जो होता है आठवां, वो आपका हो जाएगा संबोधन कारक। तो तत्पुरुष समास के भेद बताते समय मुझे पहला कर्ता कारक और आठवां संबोधन कारक छोड़ देना पड़ता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास के जो दो भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के जो छह भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संपदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इनको कारक प्रधान कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भी छह भेद होते हैं। और अक्सर जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा हाल में जब कभी बैठते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तत्पुरुष समास के, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कौन से भेद हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जो इसमें आता है वो लुप्त तत्पुरुष समास, लुप्त तत्पुरुष समास। दूसरा इसका जो भेद है वो आपका आएगा अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। तीसरा जो इसका भेद होता है वो आपका आएगा उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। चौथा जो इसका भेद आता है वो आता है न समास, न समास। पांचवा जो इसका भेद आता है वो द्विगु समास,
द्विगु समास। और छठा जो इसका भेद आता है, अंतिम जो इसका भेद होता है, वह होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इस प्रकार आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि तत्पुरुष समास का ही भेद होता है द्विगु समास और कर्मधारय समास। इसीलिए संस्कृत भाषा में हम बात करें, संस्कृत भाषा में इसीलिए जो संस्कृत आपकी भाषा है, इस संस्कृत भाषा में समास के चार भेद माने जाते हैं, क्योंकि द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का ही एक भाग माना जाता है। किंतु हिंदी विषय के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, हिंदी भाषा में अगर हम लोग बात करें, तो हिंदी भाषा में जो समास हैं वो छह हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम द्विगु समास और कर्मधारय समास को एक अलग ही मान लेते हैं, इसलिए इनकी संख्या अव्यय भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास कुल मिलाकर के छह भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि हम तत्पुरुष समास को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला आपका आ जाएगा व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जो कि कारक प्रधान होता है। दूसरा आपका आ जाता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसके भी छह भेद होते हैं और व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भी छह भेद होते हैं। जो कि कारक प्रधान समास में अगर बात करें तो कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण तत्पुरुष समास की बात की जाती है। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में लुप्त तत्पुरुष समास है, अलुप्त तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष समास है, न तत्पुरुष समास है, और इसके बाद जो आता है वो आपका द्विगु समास है। समास के बाद जो आपका आता है वो कर्मधारय समास आता है। अब इनके एक एक भागों को हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, इनके एक एक भाग, इनके एक एक भाग जो है उनको हम अच्छे से समझाने का यहां पे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास। नंबर एक बात करते हैं हम लोग कर्म तत्पुरुष समास की। जो कर्म तत्पुरुष समास है, यहां का जो पहचान है वो हम लोग करते हैं को कारक चिन्ह से, को कारक चिन्ह से। तो जो को कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह से हम पहचान करते हैं कर्म तत्पुरुष समास की। जैसे आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपदान को, के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, नानी ने, रारी ने, संबोधन हे, रे, हो, अरे, और अधिकरण में आता है मे, पे, पर। तो कारक की प्रधानता होने के कारण कर्म तत्पुरुष समास की पहचान करने के लिए को कारक चिन्ह की जरूरत होती है। जैसे इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो पहला उदाहरण है आपका वन गमन। वन गमन, वन गमन क्या है? एक सामासिक पद है, या हम लोग इसको समस्त पद कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि समस्त पद या सामासिक पद कौन सा है, तो समस्त पद या जो सामासिक पद है वो वन गमन है। वनगमन क्या है? समस्त पद या सामासिक पद है। अगर हम इसके विग्रह की बात करें, वनगमन के विग्रह की बात करें, तो हम लिख सकते हैं वन को जाने वाला। तो जो को कारक चिन्ह का प्रयोग यहां पे किया गया है, इसलिए को कारक चिन्ह जो पहचान है वो कर्म तत्पुरुष समास की पहचान है। इसलिए वनगमन समास्त पद का जो विग्रह होगा वन को जाने वाला होगा। अब को कारक चिन्ह के माध्यम से हम बता सकते हैं कि वनगमन जो समास है वो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऐसे अन्य उदाहरण आपके सामने और भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो माखन चोर, माखन चोर का विग्रह आप सभी करेंगे, माखन को चुराने वाला। जैसे मैंने कह दिया चिड़ी मार, तो चिड़ी मार का जो विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा? चिड़ी को, चिड़िया को मारने वाला। मैंने कह दिया गिरह काट, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गिरह को काटने वाला। अर्थात जहां पर को कारक चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाए वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब आपको कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, उनको आप बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कह दिया आकाश चुंबी, तो आकाश चुंबी शब्द का विग्रह करिए। आकाश चुंबी शब्द का विग्रह करेंगे, आपको हम कुछ ऑप्शन भी यहां पर दे रहे हैं। आकाश में टहलने वाला, आकाश में टहलने वाला, आकाश में घूमने वाला, आकाश में घूमने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला। आपका ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन, और आपका फोर्थ एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला। सीधी सी बात मैंने आपको बताई है, यहाँ पे हमें कारक चिन्ह की तरफ ध्यान देना चाहिए।
देखिए, आकाश में टहलने वाला, आकाश में घूमने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश को चूमने वाला। क्योंकि हम कर्म कारक तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, कर्म कारक तत्पुरुष समास की पहचान हमने आपको को कारक चिन्ह से बताई है, और इनमें कौन सा ऑप्शन ऐसा सटीक बैठ रहा है जिसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो आकाश को चूमने वाला। तो आकाश को चूमने वाला इज द राइट आंसर। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आकाश चुंबी का? आकाश को चूमने वाला। अक्सर जो विषय सबसे सरल होते हैं उनको हम सबसे कठिन मान लेते हैं, और जो विषय सबसे सरल होते हैं उनको हम सबसे कठिन मान लेते हैं। तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है। जब तक हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदल लेंगे, जब तक हम अपनी सोच और समझ को विकसित नहीं करेंगे, तब तक ये तमाम छोटे छोटे प्रश्नों पर ऐसे ही आप गलतियां करते नजर आएंगे। चलिए, एक प्रश्न और आपसे कर रहा हूं। आकाश, आकाश शब्द का विलोम शब्द कौन बताएगा? तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? धरती। आकाश का विलोम क्या होगा? धरती और आकाश दोनों वर्ड आपस में कैसे हैं? अपोजिट है। इसलिए आकाश का जो विपरीत अर्थ होगा वो क्या होगा? धरती। और धरती का जो विपरीत अर्थ होगा वो होगा आकाश। चलिए, दूसरा आपका समास आता है, दूसरा भेद आता है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की अगर हम लोग बात करें तो करण तत्पुरुष समास की जो पहचान होती है वो किस कारक चिन्ह से की जाती है? की जाती है से द्वारा के संबंध में। से द्वारा के संबंध में, से द्वारा के संबंध में जहां पर बात आती है, से द्वारा के संबंध में जो कारक चिन्ह है यहां से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब इसके उदाहरणों की अगर बात करें तो जैसे उदाहरण इसका हो सकता है तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, तुलसीकृत, हस्तलिखित, हस्त लिखित, माखन हस्त लिखित। इसके बाद हम कह सकते हैं रस भरी, इसके बाद हम कह सकते हैं नेत्रहीन, नेत्रहीन। देखिए, तुलसीकृत का अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो तुलसीकृत का विग्रह क्या होगा? तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, या तुलसी द्वारा लिखी गई तुलसीकृत। तो द्वारा आया, द्वारा से के अर्थ में हमें पहचान करा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलसीकृत जो शब्द है वो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हस्तलिखित का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हाथ द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित। ऐसे ही तीसरा आपका है रस भरी, रस भरी क्या करेंगे? रस से भरी। और रस से भरी भाई कौन होता है? रस से भरी किसे कहा जाता है? जलेबी को। और माना जाता है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। रस से भरी, रस भरी। नेत्रहीन की बात करते हैं तो नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। जो व्यक्ति अंधे होते हैं, जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है, ऐसे व्यक्तियों को संबोधित करते समय एक शब्द संबोधित किया जाता है नेत्रहीन, नेत्र से हीन। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं छोटी सी, कि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रश्नों का उत्तर देते समय कि नेत्रहीन शब्द एक दे रखा है और एक शब्द आपको दे रखा है धनहीन। देखिए, अगर आप देखते हैं सामान्य दृष्टिकोण को, अगर आप सामान्य नजरिए से देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें भी नेत्रहीन, ये नेत्रहीन है, धनहीन है, दोनों में कहीं कहीं आपस में समानता दिखाई दे रही है हीन शब्द के साथ। तो आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक लगा बैठते हैं। अगर आपने लगा दिया है इसमें करण तत्पुरुष समास है, या आपने लगा दिया है इसमें अपादान तत्पुरुष समास है, अगर आप दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द से देना चाहते हैं, करण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष, ऐसे में क्या हो सकता है? एक उदाहरण जो है वो करण तत्पुरुष का है, दूसरा उदाहरण अपादान तत्पुरुष का है। तो नेत्रहीन शब्द जो है वो करण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, और धनहीन शब्द जो है वो अपादान तत्पुरुष समास का हो जाएगा। नेत्रहीन, नेत्र के द्वारा, नेत्र से हीन, नेत्र से द्वारा हीन। उसके चेहरे पर अगर हम देखें तो आंख तो होती है, बट उस आंख से उसको दिखाई नहीं देता है, इसलिए आंखों के द्वारा वह अंधा है। अगर हम बात करें वहीं पे धनहीन, धन से हीन, एक अपादान तत्पुरुष समास जब आपको अभी बताएंगे तो बताएंगे उसकी जो पहचान होती है से अलग होने के अर्थ में होती है। जिनके पास पैसा नहीं होता है, रुपया नहीं होता है, जिनसे धन संपत्ति या वैभव अलग हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को समाज धनहीन शब्द से संबोधित करता है। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, एक जैसे दिखाई देने वाले शब्दों में भी सूक्ष्म अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो क्या है? नेत्रहीन शब्द का जो समास है वो करण तत्पुरुष समास होगा, और धनहीन समास शब्द में जो समास होगा वो अपादान तत्पुरुष समास होगा। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में अच्छे से आ भी रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जो तीसरा हमारा समास है,
तत्पुरुष समास का जो तीसरा भेद है वो आपका आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की जब बात आती है तो एक उदाहरण गुरु और शिष्य की परंपरा से जोड़ा जाता है। जैसे आपसे कह दिया गया आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उस पढ़ाई करने के बदले आपसे एक फीस ली जा रही है, तो वो फीस है क्या? जनरली गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए जो हम उनके सम्मान में जो उनको फीस देते हैं उसे हम गुरु दक्षिणा बोलते हैं। तो गुरु दक्षिणा अगर हमने शब्द ले लिया गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा शब्द से संबोधित होता है कि गुरु के लिए दक्षिणा। संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हो सकता है, संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हो सकता है। और इसकी पहचान मैंने आपको बताई है को के लिए। को के लिए एक कारक चिन्ह है और इस कारक चिन्ह से ही इसकी जो है पहचान होती है। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया है गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा शब्द क्या है? ये समस्त पद है या इसे हम सामासिक पद कहते हैं। और इसका जब हम विग्रह कर देते हैं तो विग्रह में क्या निकल के आता है? गुरु के लिए दक्षिणा। कुछ नहीं करना है आपको, केवल ये ध्यान रखना है संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान हमेशा को और के लिए कारक चिन्ह से होती है। तो जिन समस्त पद या सामासिक पद का विग्रह करने में के लिए शब्द का प्रयोग किया जाए, के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, वहां पर सीधे आप उत्तर दे सकते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मार्ग व्यय। जब भी कहीं आप टूर पे निकलते हैं या जब पर्यटक आप कहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये वहां पे दिखाई देता है कि हम जहां पे जा रहे हैं वहां कुछ खर्चा भी करना है। तो खर्चा करना है तो सीधी सी बात है इसका विग्रह क्या हो जाएगा? मार्ग के लिए व्यय। व्यय मतलब होता है खर्च। तीसरा इसका उदाहरण एक और हम लोग ले सकते हैं, वह उदाहरण हमारा हो सकता है हवन सामग्री। हवन सामग्री का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। चौथा इसका उदाहरण हो सकता है विद्यालय। विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय विद्या के लिए आलय। कई बार ये प्रश्न पूछ देता है कि एक ऐसा शब्द बताइए जिसमें संधि भी हो जाए और समास भी हो जाए। तो संधि और समास, यहां पे संधि भी हो सकती है और संधि के साथ साथ समास भी हो सकता है। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ये संधि का उदाहरण हो गया और विद्या के लिए आलय ये समास का उदाहरण हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो है विद्यालय विद्या के लिए आलय। बहुत सारे उदाहरण आप इसके दे सकते हैं, जैसे यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, पाठशाला पाठ के लिए शाला, शिवालय शिव के लिए आलय, पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय, वाचनालय वाचन के लिए आलय। तत्पुरुष समास का चौथा भेद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपादान तत्पुरुष समास का जो पहचान चिन्ह हो सकता है वो से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में। से अलग होना क्या? से अलग होना ये आपका हो गया कारक, कारक चिन्ह हो गया। तो जहां पर शब्द का विग्रह करते समय से अलग होने के अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाए वहां पर निश्चित तौर पे क्या आपको दिखाई देगा? अपादान तत्पुरुष समास दिखाई देगा। बहुत सारे इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे धनहीन, अभी आपको बताया था धनहीन हो जाएगा, पथहीन हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, पदच्युत हो जाएगा, विदेशागत हो जाएगा, विदेशागत हो जाएगा, ठीक है। इस धनहीन में क्या होगा? धन से हीन। धनहीन का विग्रह आप करेंगे तो क्या करेंगे? धन से हीन। ऐसे ही पथहीन का विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? पथ से हीन। पथभ्रष्ट करेंगे तो पथ से भ्रष्ट। भ्रष्ट मतलब जो लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, उनको पथ से रास्ते से भ्रष्ट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। पदचित, पद से चित, चित शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है अलग कर देना, तो पद से उनको अलग कर दिया जाता है। और विदेशागत का जो आप विग्रह करते हैं तो करते हैं विदेश से आगत। आगत शब्द का मतलब होता है आया हुआ, कोई दूसरे देश से आ जाता है तो उसको कहते हैं विदेशागत, विदेश से आया हुआ। तो इस तरह से अपादान तत्पुरुष की पहचान हमें हमेशा से अलग होने के अर्थ में कारक चिन्ह के प्रयोग से की जाती है। इसका पांचवा जो भेद है वो आपका आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, देखिए बात संबंधों की जाए तो आप सबको पता है रिलेशन, संबंध को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। तो संबंध हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के मध्य होता है, इसलिए संबंध हमारे लिए
संबंध जो तत्पुरुष समास है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम लोग संबंध तत्पुरुष समास की बात करें तो हम कह सकते हैं इसकी पहचान जो है वो का की के रा री रे, का की के रा री रे और ना नी ने, का की रे का की के रा री रे ना नी और ना नी और ने, कारक चिन्ह से इसकी पहचान की जा सकती है। रा री रे ना नी ने ये कारक चिन्ह है और इन कारक चिन्हों से इस समास की पहचान की जा सकती है। जैसे अगर इसके हम बात करें, इनके उदाहरणों की अगर हम लोग बात करें तो इनके उदाहरण कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। जैसे हमने कह दिया राजभक्त, ये समस्त पद या सामासिक पद है, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो राज राजा का भक्त, राजा का भक्त राजभक्त। मैंने कह दिया राष्ट्र प्रेमी, इसका विग्रह क्या होगा राष्ट्र का प्रेमी, राष्ट्र का प्रेमी। मैंने वो कह दिया राजकन्या, तो इसका विग्रह क्या होगा राजा की कन्या, राजा की कन्या। मैंने बोल दिया कि नगर सेठ शब्द में कौन सा समास है, तो नगर का सेठ, नगर का सेठ। इस तरीके से का की का, ये जो विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, कारक चिन्ह आ रहे हैं, इनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं ये संबंध तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। सिक्स और अंतिम भेद जो इसका है वो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। हमें पूरी उम्मीद है आज इस समास जैसे टॉपिक को जब आप पुनः रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर पर एक एक समस्यात्मक प्रश्न आप खुद से सर्च करेंगे और उससे संबंधित जो भी समस्या होगी उसको जरूर आप आज हल कर पाएंगे, क्योंकि इतना डीपली समाज जैसे विषय को इतना डीपली पढ़ाने के लिए बहुत कम ही लोग मौजूद रहते हैं, जिनमें से मैं एक आपके सामने खड़ा हूं, आपकी हर एक छोटी से छोटी टॉपिक से संबंधित समस्या का निराकरण कर रहा हूं। अधिकरण तत्व समाज की मैंने आपको पहचान बताई थी, इसकी पहचान हमेशा में पे पर जैसे कारक चिन्हों से की जाती है। में पे पर जैसे कारक चिन्हों से हम अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे इसमें आता है आपका, जैसे गंगा हम कह सकते हैं जलमग्न, जलमग्न, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा जल में डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ। तो में जो कारक चिन्ह आ रहा है ये कहीं ना कहीं अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रतीक है, बता रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान में हमेशा में पेपर जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, जल में डूबा हुआ। दूसरा इसका उदाहरण हो सकता है राष्ट्रपति, दूसरा इसका उदाहरण हो सकता है जैसे जलमग्न है, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं गृह प्रवेश, क्या कह सकते हैं गृह प्रवेश, इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। देख रहे हैं कि मे कारक चिन्ह के माध्यम से आप पहचान कर रहे हैं कि अधिकरण तत्पुरुष समास, तो जलमग्न हो गया, गृह प्रवेश हो गया। जैसे कई बार वाक्य संबंधित शब्द भी हमारे सामने रख दिए जाते हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, एक वाक्य है। इस वाक्य में कह दिया गया है कि समास को ढूंढिए, ये कितना सा टफ हो जाता है, और इस टफ से टफ वाले वाक्यों पर भी आप अपने समास की छाप छोड़ बैठते हैं। और आपने सीधे बताया कि पर जो है वो अधिकरण तत्पुरुष समास का एक पहचान का प्रतीक है, में पेपर कारक चिन्ह हमेशा अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान कराता है, इसलिए पर शब्द से आपने संबोधित कर दिया कि इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार अध्यापक लोगों को अधिक प्रशिक्षित करने के लिए एक पात्रता परीक्षा का निर्धारण किया गया था, जिसको हम लोग टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते थे। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में इस परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर 2011
तो 13 नवंबर 2011 को जब पहली बार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हुआ तो उसमें समाज से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया था और प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा समास होगा। तो अभी कुछ देर पूर्व मैंने आपको बताया था कि जब कोई अपने वास्तविक स्थान से अलग हो जाता है, से अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष समास आता है, तो सीधी सी बात है से कूद पड़ना, से अलग हो जाना, छत से बिल्ली अलग हो गई थी, इसलिए इस वाक्य में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास ये इसका भेद हो जाएगा, किसका? तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा समास होगा, तो आपका सही उत्तर मिलेगा अपादान तत्पुरुष समास। इस तरह आज समास विषय पर जो दूसरा वाला पार्ट था तत्पुरुष समास को आज हम लोगों ने डीपली पढ़ा है और कोशिश की है कि इसकी जो भी बारीकियों जैसी समस्याएं रहती हैं, छोटी छोटी हर एक समस्या का हल मैंने आपको यहां पर निकाल करके दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई समस्यात्मक प्रश्न अभी भी आपके हैं तो अगला पार्ट 3 जब हम समास का लेकर के आएंगे और हम चर्चा करेंगे सीधे द्विग समास की, तो उनमें आप अपने समस्यात्मक प्रश्नों को मेरे सामने रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।